मैंने शर्त पूरी कर ली बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। बाबूजी, क्या अब मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूं, सपने देख सकता हूं, मिल सकता हूं उससे? शर्त पूरी नहीं हुई है। क्यों बाबूजी? ये रुपए मेरे हैं बाबूजी। माँ ने पैसे भिजवाए थे लेकिन मैंने नहीं लिए, सुमन की कसम। बाबूजी ये पैसे मेरे हैं बाबूजी। रहने दे सुमन, शर्त रुपए कमाने की थी, कागज के टुकड़े नहीं। इन रुपयों का क्या मोल, ये तो गल चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। गौर से देख, इनमें से कईयों के तो नंबर भी मिट चुके हैं। इन गले हुए रुपयों से तू मेरी बेटी को क्या दे सकता है? कुछ नहीं, दो वक्त की रोटी भी नहीं। बाबा, नहीं चाहिए मुझे दो वक्त की रोटी। बाबा, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? एक महीने तक दिन रात एक करके भूखा रहकर प्यासा रहकर जिसने ये पैसे कमाए, तुम्हें उसके हाथों के जख्म नहीं दिखाई दिए, दर्द से भीगे हुए आंसू नहीं दिखाई दिए, दिखाई दिए तो सिर्फ ये भीगे हुए नोट। सुमन, बाबा अगर इन रुपयों का मोल नहीं तो दुनिया में किसी चीज का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं बाबा, कोई मोल नहीं। नहीं बाबूजी, सुमन की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये तो मेरा प्यार है जो इसे धीरज खोने पे मजबूर कर रहा है। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं फिर से कमाऊंगा बाबूजी, मैं फिर से पैसे लाऊंगा, और इस बार मैं वादा करता हूं बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि नोट भीगेंगे नहीं, नोट भीगेंगे नहीं बाबूजी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। तू जीत गया रे, तू जीत गया, तेरा और इम्तिहान नहीं लिया जाता मुझसे प्रेम, नहीं लिया जाता सुमन, तेरे प्यार का और इम्तिहान मुझसे। ये रुपए तो अनमोल है बेटा, तेरे प्यार की जीत हुई। कितना तड़पाया है मैंने तुझे, कितना तड़पाया है ना। आपकी कैब। सुमन, मेरी तरफ से आपको। मुझे? क्यों, क्या एक दोस्त उसे दोस्त को प्रेजेंट नहीं दे सकता? दोस्त? लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो होता है जिसे मिलने को जी चाहे, बात करने को जी चाहे, देखते लगे That's my friend। और फिर आपके पापा और मेरे पापा भी तो दोस्त हैं, और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए है ना। थैंक यू। हाँ,
दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। अरे तुम आओ ना। अब पैर का दर्द कैसा है? हल्की सी मोच ही तो है, ठीक हो जाएगी, बैठो। सुमन आई एम सॉरी। दोस्ती का एक उसूल है मिस्टर, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके सुनो, ये दवा वहां पे रख दो। सुमन दवा मैं लगा दूं? मैं आके बंद रखूंगा, प्रॉमिस। सुमन तुम जानती हो माँ मेरे बारे में क्या कहती है? क्या? कि जहां पे भी लड़का जाता है तो उस पनाह फिरता है, देश में विदेश में। लेकिन तुम उन सब से अलग हो सुमन, तुम तुम्हारी बातें उन सब से जुदा हैं, पता नहीं क्यों। तुम जानती हो, कुछ बोलोगी नहीं सुमन? प्रेम? हाँ तुम आंखें खोल सकते हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, सच, लड़कियां होती हैं ऐसी पागल। प्रेम आप निकाल सिगरेट, जल्दी करना यार। तेरे को बोलता है यार, कब से ट्राई कर रहा हूँ सिगरेट पीने के लिए, लेकिन आज तक नहीं पी। लोग तो फकाफक सिगरेट पीते हैं यार, तूने कब से शुरू की? यार अमेरिका में कभी कभी खाने के बाद पी लेता था। जल्दी निकालना। अरे तंबाकू क्या निकाल रहा है, सिगरेट निकालना जल्दी। खत्म हो गई। खत्म हो गई दर्द तेरे की, अब कहाँ से मिलेगी? सोचने दे सोचने दे सोचने दे सोचने दे सोचने दे सोचने दे सोचने दे। मिलेगी। कहाँ? पापा के कमरे में। अच्छा, सफेद सिगरेट केस के अंदर। अच्छा, पापा इस वक्त नीचे होंगे। नीचे होंगे, लिख रहा। अभी लेके आ। मैं, तू क्या पागल हो गया क्या? मैं नहीं जाता हूँ डेंजर जोन में। क्या? लेकिन यार तू पापा से इतना क्यों डरता है? देख तू जाता क्यों नहीं? नहीं जाऊंगा। ये मारूंगा तेरे को। देख तुझे मारना है ना तो यहाँ पर गर्दन पे तलवार चला कर मार, लेकिन वो 440 होल्ट में मत भेजना यार। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों साथ में जाते हैं और साथ में मरते हैं, प्लीज। चल ठीक है चलते। मुझे नीचे काम है। अरे इस तरफ कहाँ फंस गया, चल अकेले लेके।